हेलो दोस्तों, एस्केलेटर शर्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे सामने टावर ऑमटेटर आया है। इसका मॉडल वही है RCF 9500। ऐसा ही एक बार पहले भी आया था, लेकिन वो ज़्यादा पुराना था, ये न्यू है बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ सकता, जिसकी गारंटी है। तो मॉडल मैंने दिखा दिया आपको। इसमें समस्या है कि जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं, सिर्फ इसकी डिस्प्ले में लाइट आ रही है, इसमें कोई साउंड नहीं है। कस्टमर ने मुझसे कहा था कि पहले एक बार ऑन करके देखते हैं। कस्टमर ने मुझसे कहा था कि जो इसके आउटपुट वाली जो दूसरा स्पीकर लगता है, वो मेरे से पिन टच हो गई थी। तो टच हो गई तो इसमें कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से ख़राब हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी हमें रेस्पॉन्स नहीं है, ना कोई। हम FM पे चले जाते हैं, जब इस पर हम FM पे चले जाते हैं ना दोस्तों, तो इसमें CC बहुत तेज़ होने लगती है, बहुत तेज़ साउंड होने लगता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी साउंड नहीं है, तो इसमें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, ना बेस पे ना ट्रबल में। वो कह रहा था कि सेकंड वाला स्पीकर में भी नहीं बज रहा, और जब तुरंत बाद ही इसमें लाइट भी तेज आ गई थी। तो दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या समस्या है, इसको खोल के देखते हैं। यहाँ पे जितने भी सभी पेज लगे हैं, इसको पहले कॉमल इसे टाइप में रख लेते हैं, रो टाइप में, जो कॉलम टाइप में रखा हुआ है। तो इसके सभी पेज खोल लेते हैं वन बाय वन हम इसके। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी अच्छे समझ में आएगी। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने कर रखा है तो साथ में बहुत अच्छी बात है। और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेना, जिससे हर एक वीडियो रोज़ मिलती रहे इलेक्ट्रॉनिक से काम सीखने के रिलेटेड, क्योंकि मैं रोज़ काम सिखाने की वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है वीडियो, प्लीज़ लास्ट तक देखना, सब कुछ अच्छे से बताऊँगा क्या है क्या नहीं इसमें। तो इसमें फ़िलहाल देखिए, इसका मदरबोर्ड है, इसमें ही इसका ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है। इसमें दो जिक लगी होती है, एक मेन जिक ये, और एक यहाँ पे हमारी जो इसमें अंदर इंटरनल स्पीकर होता है बेस के लिए वो। तो हम कम्प्लीटली यहाँ पे ले आए हैं इसको दोस्तों। पहले इसका मेन पावर कोड लगाएंगे और इसको ऑन करके देखेंगे कि हमारे वोल्टेज इसमें प्रॉपर पहले बन रहे हैं या नहीं। मतलब सबसे पहले तो देखिए, हमारा वोल्टेज चेक करने होता है। जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को चेक करें, PCB हो या आप किसी चीज़ की हो, तो उस पर चेक कर लें कि आप उसमें जो मेन वोल्ट, मतलब जिसमें वोल्टेज उसे चलाने के लिए वोल्टेज चाहिए, वो बनने या नहीं। तो हमने चटकनी यहाँ पे ऑन की, इसकी पावर की ऊपर की तरफ को होती है। तो यहाँ पे देखें, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं मेन बड़े वाले। सबसे पहले हमें इन पर वोल्टेज चेक करनी होगी, इन पर 20 से लेके 30 के बीच में अप्रोक्स में वोल्टेज आएगी, क्योंकि जहाँ तक कि मैं तजुर्बा है कि काफ़ी ज़्यादा होम थिएटर में रिपेयर कर चुका हूँ ये वाले को, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। तो इन पर मैं देख रहा हूँ, मैं जब कोई वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, फिर हम AC वाली वोल्टेज चेक करेंगे जो हमारी ट्रांसफार्मर से आ रही है। तो पहले जो इसका ग्राउंड है, वो देखिए इसमें सोल्डिंग कर रखी है, वरना इसमें जिक लगी होती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर ग्राउंड पर लगाएंगे, और साइड पर हम 0.18 पर लगाएंगे, फिर 0.18 पर। तो देखिए 13.25 वो 13.5 वोल्टेज हमें मिल, 23.5 वोल्टेज हमें मिल रही है। तो यानी कि ट्रांसफार्मर हमारा ओके है, यहाँ तक वोल्टेज बोर्ड तक आ रही है, बट हमारी कैपेसिटर तक वोल्टेज नहीं बननी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो जम्पर लगे हुए होते हैं, जो हमारी 0 और 18 होती है। 0 तो हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्ट ग्राउंड से, तो हमारी जो 18 हैं उस पर हमारे दो फ्यूज़ लगे हुए हैं। यहाँ पे नीचे जम्पर शो हुआ है, पर ऊपर फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो फ्यूज़ पे पहले वोल्टेज चेक करेंगे और फ्यूज़ के बाद वोल्टेज चेक करेंगे, यहीं पे पता लग जाएगा बोर्ड में लगे लगे हमारा फ्यूज़ ठीक है या नहीं। तो मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पे ही सेट रहने दें जब आप ट्रांसफार्मर चेक करें। तो देख लें यहाँ पे आ रहे हैं, अगली तरफ चेक करते हैं, तो अगली तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। तो इन फ्यूज़ को हम निकाल देंगे, अगर नए हो तो नए लगा दो, वरना आप यहाँ पे जम्पर करेंगे। लेकिन जम्पर करने से पहले याद रहे आपको, कभी भी फ्यूज़ इसके उड़ते हैं तब उड़ते हैं जब हमारे MOSFET वगैरह ट्रांजिस्टर इसमें जितने लगे हैं कोई ना कोई शॉर्ट हो। तो ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है। पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगाएं और इसके प्लग स्विच ऑफ कर दें, और तब इसके फ्यूज चेक करें। मतलब स्विच ऑफ करना है, ये चटकनी मैंने कर दी है, तो मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ वैसी कंटिन्यूटी आ रही है, इसमें कोई बीप साउंड नहीं आ रहा, यानी इस पर बीप साउंड आना चाहिए था, मतलब शॉर्टिंग का बिल्कुल, तो ऐसा कोई भी नहीं देखने को मिल रहा। तो ये दोनों फ्यूज़ ख़राब हैं। तो याद रहे, जब भी कभी भी फ्यूज़ उड़े इसके DC वाले, AC वाले तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, DC वाले तो फ्यूज़ उड़ने का रीज़न होता है कि आगे कोई ना कोई शॉर्टिंग है इसमें। क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैंने कॉमन की है। पहले मैंने किया था एक बार, तो बहुत ही शॉर्ट सर्किट हो गया था और नुकसान हो गया था बोर्ड में। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ ना हो,
तो जब हम फ्यूज खराब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, मतलब उड़ जाता है हमारा फ्यूज, उड़ने के पश्चात जब इसका रीज़न होता है आगे कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट होता है, जब ये होता है तो हम एक बार फ्यूज़ों को निकाल लेंगे, दोनों को ऊपर की तरफ ओपन कर लेंगे, एक बार फिर से दोबारा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चाहे। तो यहाँ पे हम फ्यूज़ को एक बार दोबारा ओपन करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड लगा के यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है। तो इन दोनों फ्यूज़ को हम अगर हो तो नए लगाएंगे बाद में, पर पहले लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको डीसी वाली पॉइंट कनेक्ट नहीं रखने, ठीक है? कहने मतलब समझिए ना आप। तो पहले हम इनको लगा देंगे अभी यहीं पे ऐसे की ऐसी वापस, और इनकी सोल्डिंग कर देंगे जैसे हमने हटाए थे, ठीक है? तो देखिए हमने दोस्तों यहाँ पे लगा दिए। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखा करो, कमेंट करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर भी प्रॉब्लम है जाए करो तो फिर कर दिया करो कमेंट। दोस्तों मैं कमेंट का रिप्लाई उसका नहीं करूँगा बिल्कुल भी जो मैंने वीडियो में बताया है, जिसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट है काम की है, मैं उसका भी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। जो अच्छी कमेंट करते हैं मैं उसको कमेंट पे लव करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम ये देखिए एक रेजिस्टेंस भी बर्न हो रही है, तो इसकी वैल्यू तो मैं आपको बता रहा हूँ 57 ओम्स होती है, क्वार्टर वाट, हाफ वाट होती है, क्वार्टर वाट होती है, क्वार्टर वाट है। तो यहाँ पे हमें हीट सिंक देख रहे होंगे उसको, इस पर 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, हमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एनपीएन और पीएनपी, 2 एनपीएन है, 2 पीएनपी है, ठीक है? तो इनको चेक करेंगे वन बाई वन। तो हम चेक कर रहे हैं पहले वाला हमारा ठीक है, तो इस पर कोई बीप साउंड नहीं है, रीडिंग भी सही आ रही है जितनी आती है इस पर, मैं सही दिखा रहा हूँ जो आपको, जिस जो जो रीडिंग दिखा रहा हूँ। तो सेकंड पे चेक करते हैं, तो सेकंड पे हमें कुछ लग रहा है शॉर्टिंग है, देखिए पूरा 0-0 आ रहा है, बीप साउंड है। तो थर्ड चेक करते हैं, तो थर्ड पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ 200 कुछ रीडिंग आते हैं, क्योंकि उसमें बोर्ड में लगा हुआ है, तो सही है ये। तो इधर दोबारा चेक करते हैं, तो इधर भी चेक करते हैं, तो देखिए सही है, और ये हमारा शॉर्ट आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए शॉर्ट आ रहा है, फुल शॉर्ट आ रहा है पिन ये बोर्ड का 2 नंबर का जो है। फिर हमें छोटे वाले भी एक बार चेक करने हैं दोस्तों, ये ड्राइव के लिए होते हैं, छोटे वाले में भी 2 पीएनपी होते हैं और 2 एनपीएन, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। तो हमें छोटे वाले देख रहे हैं, छोटे वाले हमारा कोई भी शॉर्ट नहीं है, तो 2 और चेक कर लेते हैं, हमने 2 वाले चेक किए, 2 चेक किए, 2 शॉर्ट नहीं है, तो ये 4 हमने चेक कर लिए, 4 शॉर्ट नहीं है। और जो बड़े वाले की बात करी जाए तो हमारा सेकंड नंबर का शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो एक बार इसको ओपन करके मतलब खोल के भी चेक करेंगे, मतलब हीट सिंक पे से उतार के उसकी सोल्डिंग हटा के तब भी चेक करेंगे इसको कि ये शॉर्ट है या फिर ऐसे ही बोर्ड में दिखा रहा है। तो वैसे तो ज़्यादातर ये शॉर्ट ही होता है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें ड्राइव के ट्रांजिस्टर जो होते हैं इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते, तो जो छोटे छोटे लगे हैं, और इसमें ज़्यादातर ख़राब होने के लिए यही रहता है, या तो तेज़ लाइट पे ये वाले हमारे ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें बीच वाले जो 2 होते हैं वो NPN होते हैं, और साइड साइड वाले PNP होते हैं। PNP NPN की जाँच मैं बताऊँगा, बहुत आसान तरीका है, वीडियो में कभी बनाऊँगा, वीडियो जल्दी बनाऊँगा। तो सेकंड नंबर का हमें जो शॉर्ट आ रहा था, शॉर्टिंग आ रही थी जिस पे हमारा बीप साउंड आ रहा था, तो हम उसको यहाँ से निकाल लेंगे, मतलब रिमूव कर लेंगे बोर्ड में से। तो देख सकते हैं इसके नीचे कुछ प्लास्टिक का वो भी लगा है, छोटा सा फ्रेम, मैं बताऊँगा उसका काम क्या है, पहले चेक करेंगे। तो देखिए हमारा बीप साउंड आ रहा है, पिन नंबर 1, 2 पे लगाने पे और यहाँ पे लगाने पे बीप साउंड आ रहा है, तो ये गलत है बहुत, क्योंकि फर्स्ट वाले पे रेड लगाते और बाकी पे ब्लैक ब्लैक लगाते तो हमारे 500-600 से रीडिंग आती। तो हम इसको यहाँ से देखिए निकाल लेंगे, इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको अच्छे से, और इसको इसके प्लास्टिक के एरिया में से। तो दोस्तों इसमें से हमने निकाल लिया है, मैं अब इसका नंबर आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे देखते हैं इसका नंबर क्या है। तो इसका नंबर देख सकते हैं यहाँ पे C5198, तो ये इसका नंबर है। आप इसकी जगह NPN का कोई भी लगा सकते हो, याद रहे उसके पीछे माई का पेपर ज़रूर लगाएं। अब तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो मैं इसको ही लगा दूंगा, ये NPN है तो ये भी इसकी कंटिन्यूटी का है, तो इसको ही लगाऊंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ये इसी के साइज़ का है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें कोई सा अलग साइज़ का लगा रहे हो तो
तो चारों ही अलग साइज के लगाए जाएं, क्योंकि जो ये हीट सिंक प्लेट होती है इस पे ये चारों को एक साथ साइज में एक साथ लगा के रखती है। तो हम इस पे थोड़ा सा हीट कंपाउंडर लगा लेंगे दोस्तों, फिर इसको लगाएंगे। ये चीज़ आपको कॉमन बात याद रखनी है, अगर आप इसमें 5200 और 1943 लगाएं तो चारों वही लगाएं और माइका पेपर बिल्कुल चारों पे बराबर लगाएं, याद रहे ये चीज़। या आप इसमें प्लास्टिक लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, पर मैं नहीं लगाऊंगा, या आप लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे लगाने बहुत अंदर ये टाइट डालनी पड़ेगी। और ये मेरे पास पुराना है, इसकी पिन भी उल्टी सीधी हो रही है, ये पुराना पड़ा हुआ था, क्योंकि देखिए नई है नहीं है, लॉकडाउन की वजह से बहुत समस्या बननी है मुझे मुझे ही नहीं सभी को बननी है, और देखिए ठीक भी है। तो इसको यहाँ पे हम इसे ऐसे ही लगा देंगे, याद रहे हाइट उतनी ही रहे जितनी अदर हमारे और ट्रांजिस्टर की है, ठीक है, हाइट उतनी ही रहनी चाहिए, याद रहे। तो आपके जो बहुत छोटे छोटे इसमें डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर लगा होता है कौन सा नहीं। तो यहाँ पे एक माइका पेपर लगा होता है, और उसके पीछे ये माइका पेपर इसलिए लगाया जाए जिससे कि हमारे हीट सिंक से टच ना हो, सारे मॉस्फेट वो सॉरी ट्रांजिस्टर ख़राब ना हो। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे और इसकी सोल्डिंग करेंगे, याद रहे हाइट सेम रखनी है वरना फूक जाएगा, क्योंकि इस पे जब तक हीट सिंक से चिपका नहीं रहेगा अच्छे से, जब तक ये वर्क अच्छा नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पे सोल्डिंग सफ़ा करके इसको अब लगाना है, ठीक है, इसको लगाएंगे। तो ये जो हमारे प्लास्टिक का था दोस्तों, किस लिए लगा था तो मैं बता दूँ, ये आप चाहे कितने ही नीचे कर दो, हर हाइट वहीं जाएगी जितनी अदर मॉस्फेट वो अदर ट्रांजिस्टर की है, ठीक है, वो इसलिए लगा हुआ था। पर आप अपने अंदाजे से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करो अच्छा करो। तो इसके अब हम सोल्डिंग कर लेनी होगी यहाँ पे अच्छे से, तीनों जो इसकी तीनों पिन है एमिटेड बेस कलेक्टर, इसकी सोल्डिंग हमें अच्छे से करनी है, कोई भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए। और जब आप सोल्डिंग कर लें उसके बीच में एक चिमटी या कोई भी ब्लेड फेरा दें, उससे क्या होगा आपकी कोई भी सोल्डिंग शॉर्ट सर्किट वगैरह इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको चेक कर देंगे अब हम, तो या आप थोड़ा सा थिनर भी थोड़ा थिनर घेर के, और टूथब्रश जो होता है दांतों का ब्रश, उससे इसको अच्छे से सफ़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे SMD कंपोनेंट वगैरह लगे होते हैं, वे उस पर कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह या छोटा भी मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी गंदगी होती है बोर्ड में हमिंग की समस्या बनने लगती है, फिर बाद में बहुत सारी समस्या बनने लगती हैं। तो अब हमने यहाँ पे अच्छे से सफ़ा कर लिया है, तो दोस्तों चेक करेंगे अब इसको, फिर वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे इसकी, वोल्टेज वगैरह बननी है नहीं। तो अब छोटा सा देखिए, पहले हमने लगा दिए चारों बराबर लगा दिए, तो अब हम इसके यहाँ पे चारों पेच अच्छे से कसे, वो तीन पेच लगे हुए हैं इस हीट सिंक पे, तीनों पेच को इतना अच्छे से कसना है जितना आप कस सको, कहने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि ये जो चार हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं ये बहुत ही ओवर हीट होते हैं, गर्म होते हैं, जब तक ये हीट सिंक से अच्छे से नहीं चिपके रहेंगे, जब तक ये जल्दी बार बार ख़राब होने की समस्या बनी रहेगी। तो इन्हें तीनों पेच को बराबर कसना है और अच्छे से कसना है, क्योंकि ये इसी पे ही सारा लोड आ जाता है, और ये गर्म होते हैं और ये इससे ही लगे रहते हैं, अगर ये अच्छे से नहीं चिपके रहेंगे इससे तो ये वर्क अच्छे से नहीं करेंगे। तो ये हमें तीनों पेच अच्छे से कस देने हैं इसके, बहुत टाइट करके जैसे हमें खोले थे, ठीक है, पूरे मतलब जितना आप लगा सको उतना लगा दो जान, कोई फ्री नहीं होंगे बेफिक्र रहिए, ऐसे फ्री नहीं होते, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हीटसिंक होती है और अच्छी क्वालिटी के पेच दिए हुए होते हैं इसमें। कंपनी का कॉम्पिटेटर भी मुझे खास बात लगती है, सभी चीज़ बहुत बेहतरीन दी हुई होती है, तो मुझे कंपनी का कॉम्पिटेटर रिपेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारा कंप्लीट होगा, अब हमें फ्यूज़ की बारी आई। तो दोस्तों फ्यूज़ पर हमें करने के यहाँ पहले दोनों तरफ सोल्डिंग कर दें हल्की हल्की सी, या पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू होती है 57 ओम्स क्वार्टर वाट, या आप इसमें 1 वाट मत लगाइए, क्वार्टर वाट ही लगाइए। पहले अदर जो इसकी तीन इसके आसपास जो लगी हैं वे भी सेम यही हैं, 57 ओम क्वार्टर वाट। तो हम इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे, ये बर्न हो रही है वैसे तो, पर इसकी एक बार वैल्यू चेक करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पे लगा के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ओम्स में वैल्यू आ जाएगी। तो 1 पिन पे और 2nd पिन पे चेक करते हैं, मैंने वैल्यू तो आपको बताई दी, तो देखिए 257 छप्पन 57 ओम से आ रही है, तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी मतलब जल रही है, पर वो अभी हमारी मतलब ख़राब नहीं हुई है, तो हम इसको ऐसे ही लगे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो ड्राइव देने के लिए लगी हुई है, वो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होने की है,
क्योंकि जब उसका साथ का जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है तो जब वो जल जाती है, पर वो ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी, उससे पहले हमारा फ्यूज़ उड़ जाता है। तो हम इसके यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे, जो हमने इसकी सोल्डिंग हटाई थी। तो काम करो दोस्तों कंप्लीट, बहुत ही सावधानी से करना है, बहुत ही आराम से करना है, बहुत रिलैक्स मूड से करना है जब आप कोई भी काम करो इलेक्ट्रॉनिक से, ठीक है। तो अब हम इसके यहाँ पे जो फ्यूज़ थे, अब करेंगे फ्यूज़ को डायरेक्ट, क्योंकि हमने सारे जो ट्रांजिस्टर थे इसके हमने चेक कर लिए। उसके बाद ठीक है दोस्तों, आपको याद रहे इसके कभी भी इतनी जल्दी डायोड नहीं फूकते। कभी आप सोचे सर आपने डायोड तो चेक नहीं किए, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि डायोड इसके इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। क्योंकि डायोड ख़राब होंगे तो फ्यूज़, डायोड से पहले तो फ्यूज़ ही है। तो अब हम इसके दोनों तरफ पहले सोल्डिंग कर लेंगे हल्की हल्की सी, और इसमें हल्का सा कोई ऐसा 1.5 से 2 एम्पेयर का वायर लगा सकते हो। तो हमारी जो रियोन वायर होती है उसमें से आप उसको सोल्ड करके उसको ही लगा सकते हो। तो मैं उसी को इसमें लगाऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ जाती होगी, फिर भी दोस्तों कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करना, कमेंट में बता देना। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, पर मैं ज़्यादातर काम करने में मिस्टेक नहीं करता, कुछ बोलने में मिस्टेक कर जाता हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। पर मैं काम बिल्कुल ओके करता हूँ, क्योंकि कस्टमर भी यहीं पे खड़ा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, कस्टमर यहाँ पे 2-3 खड़े हुए हैं, 3 2 3 कस्टमर हैं यहाँ पे अभी। तो वे भी देख रहे हैं सर कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैंने दुकान बंद कर रखी है। बंद है ये, मेरे आसपास के ही हैं, गांव के ही हैं, तो एक वो काफ़ी दूर का है, तो इसको देखते हैं अब। तो दोस्तों हमने ये कम्प्लीट किया, अब इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इसको बैक करते हैं, मतलब ओपन बैक की तरफ करते हैं पीवीसी के। अब इसकी हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी होगी कि कितने कैपेसिटर पे वोल्टेज बन रही है। तो मल्टीमीटर को 200 वोल्ट डीसी पे लगाइए, याद रहे मल्टीमीटर को जहाँ भी जो चीज़ का सेट करना है। तो देख लीजिए 26.9, और यहाँ पे 26.9 दोनों कैपेसिटर वोल्टेज बहुत बढ़िया बन रही है। अब हम इसको लेकर चलते हैं होम थिएटर की, और इसको कस लेते हैं। अब मैंने मैन लीड वगैरह हटा ली, अब इसको लेकर चलते हैं और इसको चेक करते हैं अब कंप्लीट। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लीड वगैरह इसकी जिक वगैरह लगा ली जो हमने हटाई थी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और इसके यहाँ पे अब हम पेच कस लेते हैं जो भी हमने इसके पेच हटाए थे, ठीक है दोस्तों। इसके पेच कसेंगे जितने भी याद रहे, जितने पेच थे थोड़ा अच्छे से कसने हैं, ढीले नहीं रहने चाहिए, टाइट कसने हैं, क्योंकि इसको जो बूम लगती है वो काफ़ी हाई लगती है। दोस्तों देख सकते हो जो पहले होम थिएटर आया था उसमें वो नीचे के 2 लेबल नहीं थे, एक बार कोड था और एक ऊपर की तरफ जो एक और लेबल लगा हुआ है वो ऐसा नहीं था। तो ये बिल्कुल न्यू होम थिएटर, काफ़ी होम थिएटर आते हैं पर जो कॉमन प्रॉब्लम होती है मैं वही आपको दिखा दूँ, जो छोटी मोटी दिक्कत होती है वो मैं आपको नहीं दिखाता, क्योंकि ऐसे वाले होम थिएटर मंथ में करीब करीब आपसे बताऊँ तो 6 से 7 होम थिएटर मेरे पास आ जाते हैं जेब्रोनिक्स वाले, और अलग आते हैं। ये नहीं कि कस्टमर वही लेकर आता है, क्योंकि मेरे काम में इतनी जल्दी कंप्लेन नहीं आती, क्योंकि मैं काम ही कस्टमर को ऐसा करके देता हूँ कि कंप्लेन ना आए। मैं नहीं कहता, कस्टमर खुद कहता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कस्टमर आपको तो बताएगा नहीं, देखिए, पर आप ही समझ सकते हो मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पे सभी इसके पेच लगा लेने हैं 1 बाय 1। तो याद रहे दोस्तों ये पेच आपको ढीले नहीं कसने, क्योंकि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। क्योंकि एक अगर ये अरे एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें पेच आप सारे कसें, क्योंकि जो इसकी अगर वाइब्रेशन में एयर पास होने लगे ना पेच में तो गलत है। तो अब हम इसकी मेन कॉर्ड लगाएंगे, देखिए दोस्तों ये खड़े कस्टमर तो ये यहीं पर खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसपास के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन पावर लगाएंगे और इसको ऑन करेंगे, तो इसको ऑन करके ऑन देखते हैं करो। शायद इसमें आ गए। तो दोस्तों इसमें जो साउंड आता है ऑन होने के बाद वो भी आ रहा है। तो हम इसको सीधा करके इसको खड़ा कनेक्ट करके देखेंगे, तो कस्टमर खड़ा है उसको ही कनेक्ट करके दिखाऊंगा मैं, मतलब वो कनेक्ट कर लेगा। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो दोस्तों आवाज़ इसमें बहुत अच्छे से आ रही है, तो आवाज़ भी हमारा काम कर रहा है टेबल, और ये हमारी पेज। तो वो ओके हो चुका है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, हमारा काम हो चुका, तो आज के लिए इतना ही।